हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रॉय के प्रमोशन के लिए रणबीर कपूर आखिर किस वजह से नहीं गए सलमान के शो पर? फिल्म पीकेके मेकर्स अपने दुबई प्रमोशंस को लेकर कैसे फंसे मुश्किलों में? आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के सीक्रेट न्यू ईयर बैश की डिटेल देंगे एक खास स्टोरी में। सलमान खान को फिल्म किक 2 से क्यों किया जा सकता है किक आउट? और साथ ही बताएंगे गौहर खान को थप्पड़ मारने वाले शख्स ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को कैसे दिया नया मोड़। रणबीर कपूर अपनी फिल्म रॉय को प्रमोट तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बच बच कर। सलमान खान के शो बिग बॉस में रॉय के प्रमोशन के लिए रणबीर पहुंचे ही नहीं, इसकी वजह क्या थी? इसका हिंट तो आपको जरूर होगा, अगर नहीं तो इस स्टोरी को देखकर आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। सलमान खान के साथ ठुमके लगाती जैकलिन फर्नांडिस, सलमान खान के साथ कदम थिरकाते अर्जुन रामपाल। फिल्म रॉय के प्रमोशन के लिए इस फिल्म के ये दोनों स्टार्स तो सलमान के शो बिग बॉस में आए, पर रॉय में अर्जुन और जैकलिन दोनों से बड़े सुपरस्टार रणबीर कपूर बिल्कुल भी नहीं आए। रॉय के मेकर्स इस फिल्म को वैसे तो रणबीर कपूर के नाम पर ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रणबीर कपूर ने बिग बॉस में होने वाले रॉय के प्रमोशन से खुद को दूर ही रखा, क्योंकि इसीलिए नहीं कि वो रॉय को प्रमोट नहीं करना चाहते, पर शायद इसलिए क्योंकि इस शो में सलमान खान होस्ट हैं, जो इन दिनों उनकी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के एक्स हैं। सलमान खान के हाथ में जब माइक होता है तो उनको बोलने से रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल है अर्पिता खान की नवम्बर में हुई शादी में सलमान की शान में परफॉर्म करने गई कैटरीना को सलमान ने कैटरीना कपूर बुलाकर सबको चौंका दिया था। सलमान ने तो ये तक कह डाला कि उन्होंने कैटरीना को खान बनने का मौका दिया था। कैटरीना को सलमान की इस बात से काफी परेशानी हुई थी, पर सलमान ने किसी की एक ना सुनी। सलमान रणबीर कपूर के साथ कुछ ऐसा ही ना रिपीट कर दे, इसका डर रणबीर के दिल में शायद रहा हो, इसीलिए उन्होंने बिग बॉस में प्रमोशन की जिम्मेदारी अर्जुन और जैकलिन पर ही डाले रखी। जैकलिन सलमान की अच्छी दोस्त हैं, इसलिए सलमान उनके साथ खूब मस्ती करते रहते हैं। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सलमान रणबीर पर कमेंट ना करते, ऐसे में रणबीर ने कोई खतरा मोल ना लेना ही बेहतर समझा होगा। जूम ने ही आपको एक बार दिखाया था कि 2011 में देवानंद की फिल्म हम दोनों के प्रीमियर में से रणबीर रिक्शा से निकल भागे थे, क्योंकि सलमान उस वक्त रेड कार्पेट पर थे। लेकिन बात उस वक्त इतनी सीरियस नहीं हुई थी जितनी कि अब हो चुकी है। सलमान वैसे तो इन सब यादों से काफी आगे निकल चुके हैं, पर क्या पता रणबीर को देखकर उन्हें पुराना कुछ फिर से याद आ जाए तो मुश्किल बढ़ भी सकती है। ऐसे में सलमान से दूर रहने का रणबीर का ये फैसला उनके लिए ठीक ही रहा, और अर्जुन रामपाल के लिए भी, क्योंकि अर्जुन खुद चाहते थे कि रॉय के प्रमोशन में वो जैकलिन के साथ नजर आए, ना कि रणबीर के साथ। न्यूयॉर्क में कैटरीना के साथ न्यू ईयर मनाकर लौटने के बाद रणबीर रॉय का प्रमोशन कर सकते हैं, फिर उनके सामने सिर्फ मीडिया ही होगा जिसके सवालों के जवाब रणबीर आसानी से दे सकते हैं, पर सलमान के सवालों के जवाब देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की लिंकअप की न्यूज को अब तक सिर्फ रूमर का नाम दिया जा रहा था, लेकिन अब जूम के हाथों इन दोनों स्टार्स के सीक्रेट रिलेशनशिप का एक सबूत लगा है। टेक अ लुक। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हाल ही में खबर आई थी कि आजकल आलिया अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्पेंड कर रही हैं। खबर ये भी आई थी कि ये दोनों स्टार्स न्यू ईयर साथ सेलिब्रेट करने आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, लेकिन अब तक इस न्यूज का कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया था। लेकिन अब जूम के हाथ इन दोनों स्टार्स की सीक्रेट पार्टी पिक्स की डिटेल्स लग चुकी हैं। कल रात हमारे कैमरा ने आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को नेशनल एयरपोर्ट पर कैप्चर किया। सोर्सेज की माने तो ये दोनों स्टार्स एक ही फ्लाइट से इंडिया लौटे थे, लेकिन मीडिया अटेंशन को अवॉइड करने के लिए ये दोनों स्टार्स 5 मिनट के डिफरेंस पर एयरपोर्ट से बाहर निकले। सबसे पहले हमने आलिया को एयरपोर्ट से बाहर आते हुए कैप्चर किया, और थोड़ी देर बाद ही हमारे कैमरा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी स्पॉट किया जो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। वेल, साफ है ये दोनों स्टार्स साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बात की भनक किसी को भी लगने नहीं देना चाहते। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।
फिल्म पीके को लेकर अब तक सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक अलग ही कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखें इस खास स्टोरी में। आमिर खान की फिल्म पीके को लेकर एक पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीर आरोप लगाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस बैक्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने दुबई में फिल्म पीके को प्रमोट करने में मदद की है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के बाद फिल्म पीके में लगे पैसे के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कई बार उठी, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। लेकिन अब एक रिनाउंड न्यूज़पेपर ने इस खबर को पब्लिश करके इस पूरे मामले को लाइमलाइट में ला दिया है। द संडे गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस पूरे पर डिटेल में बात की है, और जिस मीडिया हाउस की इस रिपोर्ट में बात की गई है उसमें पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी का पैसा लगा होने की बात कही जा रही है। यही नहीं, मुंबई में 1993 को हुए ब्लास्ट मामले में भी इस कंपनी के कनेक्शन की बात कही जा रही है। ये मामला अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। ऐसे में हो सकता है अब गवर्नमेंट इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे, और अगर पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी के लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो ये फिल्म पीके के मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। वेल, इस फिल्म को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट की न्यूज तो आपने देख ली। अब चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कई पॉलिटिशियंस इस फिल्म को सपोर्ट करने भी सामने आ गए हैं। फिल्म पीके का जहां आज देश में कई जगह पर विरोध हो रहा है, तो वही कई जगहों पर इस फिल्म को लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। और अब जूम को खबर मिली है कि फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई है कि वो खुद इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग अपने जानने वालों के लिए रख रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि ये फिल्म जो मैसेज दे रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम आपको बता दें, बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री करवाने में नीतीश कुमार का बड़ा हाथ रहा है। वैसे बिहार में ही नहीं, यूपी में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही रिसेंटली यूपी चीफ मिनिस्टर के एक बयान को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म पीके को उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड करके देखा था। चीफ मिनिस्टर के इस बयान के आने के बाद उन पर पायरेसी को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगा। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने फिल्म पीके को लीगल तरीके से ही देखा है। ऐसे में इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वेल, कोई माने या न माने, इस फिल्म ने देश में एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है, और इससे साफ होता है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी जो मैसेज ऑडियंसेस तक पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच चुका है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। 60th फिल्मफेयर अवार्ड काफी खास होने वाला है, और जूम को खबर मिली है कि इस साल 3 सेलिब्रिटीज इस स्पेशल अवार्ड को होस्ट करेंगे। आप ही देखें कौन से हैं वो 3 सेलिब्रिटीज। 60th फिल्म फेयर अवार्ड काफी खास होने वाला है। इस साल के शो में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स परफॉर्म करने वाले हैं, और अब जूम को खबर मिली है कि इस साल करण जौहर, कॉमेडियन कपिल शर्मा और आलिया भट्ट के साथ मिलकर इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट करेंगे। सोर्सेस का कहना है कि करण और कपिल जहां लगभग इस पूरे शो को होस्ट करेंगे, वहीं आलिया भट्ट कुछ सेगमेंट्स का हिस्सा बनेंगी। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा 60th फिल्म फेयर की अनाउंसमेंट करने पहुंची थी, और यहां उन्होंने बताया था कि इस बार फिल्म फेयर काफी खास होने वाला है। वेल, जहां करण और कपिल जैसे सेलिब्रिटीज हों, वहां मस्ती और धमाल तो होना ही है। ऐसे में तैयार हो जाइए साल के सबसे बड़े अवार्ड शो के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन स्टार ऑफ फिल्म हाउसफुल 3 की शूटिंग फिर से पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन फिल्म के लीड एक्टर अभिषेक बच्चन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। आप भी देखिए। अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार स्टार ऑफ फिल्म हाउसफुल 3 को लेकर खबर आई है कि ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। इस फिल्म के पोस्टपोन होने की वजह का पता अब भी तक नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि फिल्म की एक्ट्रेस का नाम अब तक फाइनल नहीं किया गया। ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंचे अभिषेक बच्चन से इस फिल्म के पोस्टपोन होने की वजह के बारे में पूछा गया। अभिषेक फिलहाल अपनी इस फिल्म को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहते। वैसे अभिषेक यहाँ पहुँचे थे अपने स्कूल को सपोर्ट करने, और यहाँ उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी यादें मीडिया के साथ शेयर की। बचपन में यहाँ पढ़ाई करता था जमुनाबाई नरसी स्कूल में, सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड में, और यहाँ जो अपना जो प्लेग्राउंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उसमें बहुत खेलते थे हम लोग। सुबह आके बास्केटबॉल खेलते थे, ब्रेक्स में आके यहाँ खेलते थे, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक बच्चन ने यहाँ बच्चों के बास्केटबॉल को देखा, साथ ही उनके साथ इंटरैक्ट भी किया। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई।
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करके मुंबई लौट रहे हैं और कल शाम जूम ने कुछ सेलिब्रिटीज को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया कैप्चर। बॉलीवुड सेलेब्स न्यू ईयर को सेलिब्रेट करके इंडिया लौट रहे हैं और कल शाम हमने स्पॉट किया एक्टर शाहरुख खान को जो दुबई से छुट्टी मनाकर इंडिया लौटे थे। शाहरुख खान के साथ उनकी पूरी फैमिली हॉलिडे पर गई थी लेकिन यहां एयरपोर्ट पर उनकी फैमिली नजर नहीं आई। सोर्सेस का कहना है कि SRK की फैमिली कुछ ही समय बाद दूसरी फ्लाइट से मुंबई लौट आई है। SRK के बाद यहां हमने सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान को अपने हस्बैंड आयुष के साथ स्पॉट किया जो न्यू ईयर छुट्टी मनाकर लौटे थे। यहां इन दोनों सेलिब्रिटीज से मीडिया ने बात करने की कोशिश की लेकिन लगता है ये स्टार्स बात करने के मूड में नहीं थे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। रणबीर कपूर के एक बड़े ब्रांड पर कंगना रनावत की है नजर और जूम को खबर मिली है कि कंगना ने रणबीर के इस ब्रांड को हासिल भी कर लिया है। वेल, आप ही देखें कंगना और रणबीर के इस ब्रांड वॉर की पूरी डिटेल। रणबीर कपूर वॉज द सोल फेस फॉर एन इंक्वायरी पोर्टल बट नाउ द एक्टर इज नॉट अलोन एज देयर इज सम लेडी हु हैज ईटन अप RK शेयर इन द ब्रांड एंड दैट इज नन अदर देन आवर वेरी ओन बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत। Yes, Kangana Ranaut is the face for this inquiry portal. But let us tell you that the actress won't be replacing Ranbir for this brand, but will be the female face for this. After her recent success in Bollywood, the brand organizers were quite keen to get the actress on board for this brand. वैसे इस ब्रांड की एड के लिए रणबीर had gone to the extent of defaming Big B as he is the face of a rival brand. देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ अब Kangana Ranaut भी करती नजर आएंगे या फिर नहीं। सलमान खान के उन फैंस के लिए है एक बुरी खबर जो फिल्म किक 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि किक 2 के लिए एक दूसरा ही एक्टर का नाम फाइनल माना जा रहा है। टेक अ लुक। There is a sad news for all you सलमान खान fans, क्योंकि किक 2 में आप सलमान को नहीं देखेंगे। It does come as a shocking news, but that's what our sources revealed us. So let us depict you all the full story behind this. दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र रेड्डी सलमान खान को नहीं बल्कि साउथ स्टार रवि तेजा को किक के सीक्वल में कास्ट करना चाहते हैं। अपेरेंटली सुरेंद्र वाज नॉट सो हैप्पी विद द बॉलीवुड रीमेक ऑफ दिस फिल्म एंड ही थिंक्स दैट द सीक्वल वोंट गेट प्रॉपर जस्टिस इफ सलमान इज ऑन बोर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड दैट्स व्हाई द डायरेक्टर इज टर्न इन साइनिंग रवि तेजा फॉर द सीक्वल। अपेरेंटली 2-3 प्रोड्यूसर्स आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस ऑफर। वैसे किक वाज अ सुपरहिट ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सलमान Khan. We wonder if the makers will be able to get the same audience for the sequel. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर्स इन दिनों एक्टिंग के अलावा फिल्म के बाकी डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बी इट सलमान, SRK, आमिर और अक्षय। एंड द लेटेस्ट टू जॉइन देम इज जॉन अब्राहम। आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। जॉन की फिल्म वेलकम बैक इस साल रिलीज होने वाली है और फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और जूम को सोर्सेस से पता चला है कि जॉन इस काम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वेल, इसके पीछे भी एक रीजन है। लास्ट ईयर जॉन की बस एक फिल्म मद्रास कैफे रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं किया था एंड जॉन वॉन्ट्स वेलकम बैक टू डू वेल। Well, अब देखना ये होगा कि जॉन का वेलकम बैक के पोस्ट प्रमोशन में यू इंटरेस्ट लेना फिल्म को कितना फायदा पहुंचाता है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे गौहर खान को थप्पड़ मारने वाले शख्स ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को कैसे दिया नया मोड़। गौहर खान स्लैप कंट्रोवर्सी में नया मोड आ गया है क्योंकि गौहर खान को स्लैप करने वाले शख्स ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टेक अ लुक। वेल, मीडिया ने तो गौहर की रिक्वेस्ट पर उनके साथ ही स्लैप कंट्रोवर्सी को भुला दिया है, लेकिन अब अचानक एक बार फिर इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये स्लैप कंट्रोवर्सी फिर से न्यूज में आ गई है। दरअसल गौहर खान को उनके शो के दौरान थप्पड़ मारने वाले शख्स ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, धोखा पहले गौहर खान ने दिया है, गौहर खान का दिल जानता है कि उसने हमको धोखा दिया, तब मैं आज धोखा उसको दिया कि सच बताया। उन्होंने बोला कि तुमको मुझे थप्पड़ मारना, पहले तो मैं इस बात को मजाक समझा कि मैडम मेरी खिंचाई कर रही है, लेकिन मैडम ने बोला कि ये मजाक नहीं, ये सीरियस है।
क्या तुम कर सकते हो ये काम? अगर ये काम तुम कर सकते हो तो दबंग 3 में कोई सा भी एक छोटा सा रोल सलमान खान के साथ दिलवा दूंगी। वेल, मोहम्मद अकील मलिक का कहना है कि उन्होंने इस पूरी घटना को गौहर के कहने पर अंजाम दिया था, क्योंकि गौहर ने उन्हें फिल्म में मौका दिलवाने का दावा किया था। वैसे अब मोहम्मद अकील के इस बयान को गौहर खान ने पूरी तरह से गलत बता दिया है और उन्होंने अपने लॉयर से इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मोहम्मद अकील ने अपने आरोपों से जुड़ा कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया है। ऐसे में गौहर के करीबियों का कहना है कि मीडिया लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये शख्स गलत आरोप लगा रहा है। वेल, इस मामले में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी होप बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। एक्ट्रेस गुल पनाग ने अपनी पॉलिटिक्स के करियर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तभी तो हमेशा सिर्फ बॉलीवुड और फैशन की बातें करने वाली गुल अब सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बातें कर रही है। जहां हर बॉलीवुड एक्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपना नाम जोड़ना चाहता है, वहीं गुल पनाग मोदी पर कर रही है कॉमेंट्स। तंस कटाक्ष जी, आज के माहौल में सिर्फ कि अगर हम अच्छाई करें तो अच्छा होगा सबके लिए। जी हाँ, बात तो हुई थी यहाँ पर राम गोपाल वर्मा के ट्वीट को लेकर, जिसमें रामू ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास आउट किया था, जिस पर गुल पनाग ने दिया अपना सेफ आंसर। वेल, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में खिलाफ कुछ कहना मैं मानती हूँ बहुत डेंजरस है, तो मेरी एडवाइस रामू को यही होगी कि सिर्फ जी को ही पूछें। चलिए गुल पनाग, आप इतना भी बता दीजिए कि आप बॉलीवुड से कब तक दूरी बनाए रखेंगी? ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती कि फोकस एक्स और वाई और जेड। मैं मानती हूँ कि एक हमारे में और जानवरों में यही फ़र्क है कि हम एक वक्त पे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर अच्छी फिल्में आएंगी मैं उनका 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 हिस्सा बनना ज़रूर पसंद करूँगी, पर फिल्में सिर्फ फिल्में करने के लिए फिल्में करना, वो मेरा ना तो शुरू से ट्रेंड रहा है और ना मैं अब करने। वेल, आपकी तरह आपके फैंस भी आपका वेट करेंगे, बिकॉज इवन दे विश टू सी यू सून इन अ फिल्म व्हिच हैज अ गुड स्क्रिप्ट। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हमने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को इंडिया के दूसरे स्टेट्स को प्रमोट करते हुए देखा है। बट इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, वी विल सून बी सीइंग रेखा प्रमोटिंग अ स्टेट इन इंडिया। सोर्सेज से पता चला है कि रेखा को अप्रोच किया गया है टू प्रमोट बिहार टूरिज्म। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज ऑफर्ड रेखा टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार, और इस पर अब तक रेखा ने रिवर्ट नहीं किया है। बट इफ द एक्ट्रेस अग्रीज फॉर दिस डील, वी विल सून सी रेखा एज द फेस फॉर बिहार टूरिज्म। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म ऑल इज वेल की शूटिंग फाइनली फिर से शुरू हो सकती है। दरअसल अब इस फिल्म में स्मृति ईरानी की जगह सुप्रिया पाठक को साइन कर लिया गया है। हम आपको बता दें, स्मृति के साथ पहले फिल्म के मेकर्स ने कुछ सीन्स की शूटिंग कर दी थी, लेकिन स्मृति के यूनियन HRD मिनिस्टर बनने के बाद वो अपनी इस फिल्म के लिए वक्त नहीं दे पा रही थी। ऐसे में अब स्मृति को इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है। शाहिद कपूर जनरली जिम में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आजकल शाहिद ने जिम से दूरी बना रखी है। सोर्सेज की माने तो शाहिद अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए ऐसा कर रहे हैं। शाहिद कपूर को अपनी अपकमिंग फिल्म में लीनर लुक में नजर आना है। फिल्म PK की रिलीज के बाद आमिर खान ने किरण राव से कहा था कि अगर ये फिल्म 300 करोड़ के मार्क को पार कर जाती है तो वो उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। और अब जबकि PK का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, तो किरण ने आमिर खान से स्पेशल गिफ्ट की डिमांड की है। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के बाद ऑडियंसेस श्रीदेवी की नेक्स्ट फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रही है, और जून को सोर्सेज से खबर मिली है कि श्रीदेवी एक तमिल फिल्म से वापसी करने जा रही है। श्रीदेवी को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और वो बहुत जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकती है। सोर्सेज की माने तो अनुष्का शर्मा अभय देओल की एक फिल्म कनाडा को प्रोड्यूस करेंगे। सोर्सेज का कहना है कि डायरेक्टर नवदीप के साथ अभय देओल इस फिल्म पर काम करना चाहते थे, लेकिन अभय किसी वजह से इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ऐसे में अब अनुष्का ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए कश्मीर रवाना हो रहे हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म का मुंबई स्केड्यूल कम्प्लीट हो चुका है और फिल्म के सेकंड स्केड्यूल के लिए पूरी टीम अब कश्मीर पहुंच रही है। सोनम कपूर न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड गई हुई थी, और अब सोर्सेज की माने तो सोनम हॉलिडे के बीच में ही इंडिया वापस लौट रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म डॉली की डोली का प्रमोशन शुरू करना है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.